गैस के प्रेशर की, तो कराची में मैं कल था तो कराची में भी बहुत ज़्यादा, हालांकि इस वक्त गैस जो है वो ज़्यादा सिंध से निकल रही है बनिस्बत बलूचिस्तान के। पहले बलूचिस्तान 70 साल सिर्फ बलूचिस्तान की गैस चलती रही पूरे मुल्क में, लेकिन उसके दारुल खिलाफा में भी गैस का जो है वो प्रेशर कम है। तो हमने सुई सदरन गैस कंपनी के साथ मुस्तकिल रबते में हैं, प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मेंटेन रखेंगे। माहीगीरों का हेल्थ कार्ड का अनाउंसमेंट हो गई है, वो इंशाल्लाह जल्दी हम शुरू कर देंगे। जेनीवा कॉन्फ्रेंस वाली जो बात आपने की है, देखें मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। पाकिस्तान गया था 12 बिलियन, 16 बिलियन हमारी पूरी नीड है यूएस डॉलर्स, अमरीकी डॉलर 16 बिलियन, उसमें से 2.3 बिलियन बलूचिस्तान की नीड है। और ये नीड जो है किस तरह, जो ज़रूरत है वो किस तरह असेस हुई, आलमी इदारे पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उन्होंने मिल के ये असेसमेंट की, घर कितने गिरे हैं, फसलें कितनी तबाह हुई हैं, रोड कितने टूटे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की नीड 2.3 बिलियन जो है ना वो हुई। अभी तक हमें 465 मिलियन डॉलर्स उसकी कमिटमेंट हो गई है और वो पाइपलाइन में आ गया है। तो बाकी जो शॉर्टफॉल था 1.8 बिलियन यानी कि 1800 मिलियन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना केस बहुत मजबूती से, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर सिंध खुद थे, और बलूचिस्तान का केस मैंने, इसी तरह बाकी सूबों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने बड़ा मजबूत तरीके से केस पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि हमें ये था कि अगर आधे से ज़्यादा पैसे, अभी शॉर्टफॉल 12 बिलियन था हमारा, आधे से ज़्यादा भी अगर कमिटमेंट हो जाए तो भी हमारी कामयाबी होगी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की वजह से पूरे 12 बिलियन की कमिटमेंट जो हमें ज़रूरत थी वो हमारी हो गई है। और बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको कहूँ कि जब पूरे पाकिस्तान की कमिटमेंट हुई है, बलूचिस्तान को भी पूरी कमिटमेंट हुई है, इंशाल्लाह ताला हमें पैसे मिलेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, चूँकि सिंध में जो बहुत ज़्यादा तबाही हुई आखिरी स्पेल में अगस्त में, उससे पहले तो नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान को था, तो पूरे पाकिस्तान की जो फोकस था वो बलूचिस्तान था। जब सिंध में भी बहुत ज़्यादा तबाही हो गई तो अब दोनों सूबों पर फोकस आ गया है, लिहाजा बलूचिस्तान को इंशाल्लाह ताला वफाक के नुमाइंदे के तौर पे, और बलूचिस्तान का भी मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, बलूचिस्तान का भी नुमाइंदा हूँ, आपके साथ इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं हटेंगे और बलूचिस्तान की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हम लेंगे। इसमें थोड़ा सा होता ये है कि हमें खुद होशियारी करनी पड़ती है, जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल करके, प्रोजेक्ट्स बना के, PC1s अप्रूव करवा के, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आपको बताते रहेंगे और हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे।